Dame un detalle. यहाँ हो रही है सब्जी गरम और यहाँ मैंने आटा लगा दिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइस, अभी मैं हूँ बाहर खेतों के पास, झाड़ू लगा रही थी। यहाँ हमारा रास्ता है, ये वो मैं साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। और अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज चुके हैं। मेरा ब्लॉग एडिट ही नहीं हुआ, अपलोड क्या होगा अभी तक। ब्लॉग एडिट करना है, अपलोड करना है, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी कर रहे हैं घर का काम। आज भाभी जी या गीता हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना ही आए, उनका कुछ पता नहीं है क्योंकि वहाँ पर बसें वगैरह नहीं चल रही है। तो इसीलिए आज मैं फटाफट काम कर रही हूँ ताकि मम्मी का थोड़ा आराम मिल सके। अभी पशुओं के पास मैंने झाड़ू लगा दी है और मैंने आंगन में भी, बाहर वाले आंगन में भी, कच्चे आंगन में भी झाड़ू लगा दी है। अंदर वाले आंगन में बाकी है अभी लगानी। तो बस आप कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। तो गाइज़, यहाँ 10 बज चुके थे और बच्चे भी उठ चुके थे और हमारी बन चुकी थी दोबारा वाली चाय, मम्मी ने बनाई थी। और हम लोग यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। और यहाँ देखिए गाइज़, ये इसने अपना पैर जला लिया था। ये मेरी बहन का लड़का है, इसने यहाँ पैर जला लिया था और राघव ने यहाँ अपने सर पे चोट खा ली थी। तो दोनों बच्चों ने ये शरारत करके ये अपना नुकसान कर लिया था। तो देखिए गाइज, यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अभी है कचरा जो इकट्ठा किया हुआ, वो हम डालने जाएंगे खेतों में। तो यहाँ सब पशुओं को चारा वगैरह डाल करके फिनिश कर दिया था। देखिए यहाँ मॉर्निंग का रूटीन है और ये मैं यहाँ कचरा डालने जाऊँगी खेत में। यहाँ कचरा डालना पड़ता है, थोड़ी दूर जाकर डालना पड़ता है। तो यहाँ मैं कचरा डाल के आई थी और मम्मी उपले सुखा करके आए थे, तो वो भी थोड़ा सा लेकर गए थे। ज़्यादा उनको भारी सामान उठाया नहीं जाता क्योंकि उनके कान का ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने ही डाल दिया। और ये देखिए हमारा फ्रंट घर का व्यू। और यहाँ अंदर वाले घर में झाड़ू लगा दी है, बाहर वाले आंगन में भी झाड़ू लग चुकी है। और ये मामा भांजे सेक रहे हैं हाथ। और यहाँ हम पशुओं के पास थोड़ा बहुत काम बच चुका था, वो किया। फिर इनको पानी वानी पिला करके इनका काम है जो वो फिनिश कर दिया है। तो गाइज, अभी सफाई वगैरह कंप्लीट कर दी है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाना सब्जी बची हुई है शाम की, आलू और पालक की बनाई थी शाम को। और अभी सिर्फ बनानी है रोटियाँ क्योंकि बच्चों को लग चुकी है भूख, तो फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। गाइज, यहाँ हो रही है सब्जी गरम और यहाँ मैंने आटा लगा दिया है और अभी बनाएंगे खाना।
अभी कपड़े धुल दिए हैं और यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल चुकी है, हल्का हल्का मौसम सही हुआ है, थोड़ा सा सूरज निकला है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ घर के काम से। अभी बच्चों को भी नहलाया था और बच्चे नहा लिए हैं, बच्चे हैं अंदर कमरे के क्योंकि बाहर ठंड थी तो मैंने बाहर निकलने नहीं दिया। और काम पूरा फिनिश हो चुका है, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मम्मी और भाई गए हैं हरा चारा लेने के लिए, वो काफ़ी दूर गए हैं वरना मैं भी जाती उनके पीछे पीछे, क्योंकि घर पे अकेले का मन नहीं लग रहा। बच्चे हैं यहाँ कमरे के अंदर, घर पे अकेले का मन नहीं लग रहा तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो एडिट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा बहुत मतलब मन भी लगा रहेगा। मम्मा जब तक मम्मी आएंगे तब तक मैं कर लेती हूँ अपना वीडियो का एडिटिंग का काम, क्योंकि कल वाली वीडियो मैंने अब तक अपलोड नहीं की है। वैसे टाइम तो था मुझे लेकिन बस मैं बातों में लगी रही तो मुझसे वीडियो एडिट नहीं हो पाई। तो गाइज यहाँ हम पालक तोड़ कर लाए थे और अब यहाँ साग बनाया था, सरसों का साग, और पापा जी उसे उबाल रहे हैं और सब घर वाले थोड़ा बहुत अपना अपना काम लगे हुए हैं। आज राघव को शाम को कान में थोड़ा दर्द और हो गया था तो उसे डॉक्टर के पास कल सुबह दोबारा दिखा कर लेके आएंगे, क्योंकि उसको शाम को हुआ तो शाम को जा नहीं सकते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे को लेकर नहीं जा सकते। तो ये मैं पापा का काढ़ा उबाल रही हूँ और उनको भी सर्दी लगी हुई है, बुखार है तो सर्दी में जा नहीं सकते बाज़ार में, तो मैंने सोचा कि चलो कल चलेंगे और कल हम जाएंगे। और यहाँ देखिए हमारा इवनिंग रूटीन। तो बस गाइज यही था हमारा ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। थैंक यू।